धन, वैभव, सुख सुविधा, लव रोमांस, प्रेम, वैवाहिक सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारण दैत्य गुरु आपके लिए मालव्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति थोड़ी बहुत खराब है तो भी यह गोचर आपको वह देने जा रहा है जो आप कर पाना तो बहुत समय से चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक विशेष राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसमें राहु शुक्र के साथ हैं और बुध भी 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल में। तो यहाँ पर आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु और शुक्र एक दैत्य गुरु हैं और दूसरे क्या हैं, वृद्धि के कारक हैं, असुर हैं। राहु मान लीजिए, देखिए कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। मानसिक चिंताएं तो फ्री में देते हैं आपको, बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है कि आपके लिए कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके लिए मानसिक चिंताएं गिफ्ट होती हैं जब राहु आपके लग्नगत बैठते हैं या जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको मानसिक चिंताएँ मिलती ही मिलती हैं। तो इस तरीके से राहु की ये स्थिति आपके लिए है, किंतु जब दैत्य गुरु के साथ बैठेंगे तो आपकी इन समस्याओं में कमी हो जाएगी। आप देखिए, मीन राशि के जातक जो हैं गुरुदेव इनकी राशि के स्वामी होते हैं और वो धन भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, जब भी केंद्र में किसी भी भाव में शुक्र बैठते हैं तो ये मालव्य राजयोग का निर्माण होता है और यहाँ पर ये अपनी उच्च की राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण होने से आपको किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, सबसे पहले तो शुक्र को जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, शुक्र को अपार धन प्रदायक के रूप में जाना जाता है और राहु शुक्र की युति अपार धन प्रदायक होती है, इसको शास्त्रों में इसी नाम से जाना जाता है। तो आज इसी अपार धन प्रदायक योग, मालव्य योग के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, कुंडली में यदि शुक्र आपके खराब हो तो आपको क्या होता है, हर समय आपके पास धन की तंगी बनी रहेगी। कितने भी आप प्रयास कर लें लेकिन आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके वैवाहिक सुखों में हर समय तनाव रहेगा, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, और मोस्टली यानी कि 100 प्रॉब्लम्स आपके पास हैं तो उसमें से 60-70% प्रॉब्लम धन को लेकर होंगे। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, लोग आपको ऐसे ही देखकर कि मतलब ऐसे ही व्यक्ति समझकर आपसे ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं आपका पड़ेगा किसी के ऊपर। तो जब शुक्र खराब होते हैं आपको अपने शरीर के प्रति भी ज़्यादा लगाव नहीं होता है, आपको खुद से ही प्रेम नहीं होता है तो दूसरों की बात क्या करें, आपके घर का सामान अस्त व्यस्त रहता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के साथ में होती हैं जब शुक्र आपके खराब होते हैं। अब वहीं इससे उल्टा स्थिति, जब शुक्र खराब होते हैं आपको देखते ही लोग आपसे बात करने के लिए ललायत हो जाते हैं, जब शुक्र आपके अच्छे होते हैं ललायत हो जाते हैं आपसे बात करने के, वो 50 बहाने ढूंढते हैं। जब शुक्र अच्छे होते हैं तो आप विपरीत लिंगी भी आपके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। वहीं शुक्र के अच्छे होने पर आपको चारों तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कहीं किसी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ लोगों के आकर्षण केंद्र बिंदु बन जाते हैं। राहु इन सब चीज़ों में वृद्धि करते हैं, आपके पास हर समय धन रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राहु देव के बारे में। राहु क्या है? राहु सही गलत नहीं देखते हैं, बस प्राप्त करना चाहते हैं। राहु एक जुनून है, एम्बिशन है, भ्रम है, असीमित विस्तार है, रहस्य हैं। राहु जो भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जानते हैं किस तरीके से प्राप्त करना है उसे, वो मायने नहीं रखता कि किस रास्ते पर चलकर उसे प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें सिर्फ मंजिल पता है, मंजिल का रास्ता नहीं पता। वो साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर अपने रास्ते को पार करके मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। शुक्र धन, अपार धन, कंफर्ट, लग्जरी, लव रोमांस, रिलेशन के कारक। राहु लगाव हैं, आपका मन भोग विलास और रिश्तों की तरफ
आकर्षित रहेगा। मालव्य राजयोग एक धनकारक राजयोग है। इसके बनने से आपकी धन संबंधी समस्याओं से राहत मिल जाती है। बेशक थोड़े समय के लिए बनता है, लेकिन आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर देता है। शुक्र कला सौंदर्य के कारक हैं। कला सौंदर्य से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत विशेष समय है, जैसे फिल्म मीडिया, टेलीविज़न, मॉडलिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग, लग्जरी चीज़ें, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके अपार सफलता के योग इस समय पर हैं। आपका लगाव इस समय प्रेम, आकर्षण, कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, जीवन साथी से लगाव, ये है आपके लिए होगा इस समय पर। मालव्य राजयोग बनने से आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जैसे आपके धन को लेकर हो सकती है, संतान को लेकर हो सकती है, विवाह को लेकर हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, धन संचयन को लेकर हो सकती है। आपकी ये सभी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। आपके लग्न में ये योग बन रहा है तो इस समय आप स्वयं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। आपके सजाव श्रृंगार का भी इस समय पर बहुत ध्यान देंगे। आप इस समय पर बहुत बन ठन कर रहना पसंद करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ खूब बिल्कुल टिप टॉप होकर जाएंगे, बिल्कुल मतलब कहीं से भी आपकी क्रीज नहीं बिगड़नी चाहिए। आपको इस समय स्वयं से प्रेम हो जाएगा। देखिए, जब व्यक्ति का स्वयं से प्रेम होता है तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मायने नहीं रखता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, मायने ये रखता है कि हम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस तरीके से इस समय पर मालव्य राजयोग आपके साथ ये चीज़ें करने वाले हैं। अब क्या होगा कि आपका व्यवहार इस वक्त बहुत मिलनसार होगा। लोगों से आप पहले ही हंसकर बात करना प्रारंभ कर देंगे। बेशक वो कितनी भी कटुता लेकर आ रहा हो, लेकिन आपको देखते ही उसकी कटुता अंदर की अंदर ही दबी रह जाएगी और वो अपने शब्दों को जिभ्या तक लाने का साहस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका आकर्षण लोगों पर जादू की तरीके से काम करेगा। चमत्कार जिसे बोलते हैं ना, जादू, वो चीज़ इस समय पर आपके व्यक्तित्व में होगी। आपका व्यक्तित्व एक प्रभावशाली होगा। व्यक्ति आप सोचेगा तो बहुत पीछे से आपके कि जैसे जो आपसे शत्रुता रखते हैं या मनमुटाव रखते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अंदर ही अंदर अपनी बातों को दबाए रखते हैं। सोचेंगे तो बहुत, जब आप सामने आएंगे तो ऐसी बात बोलेंगे आपको, या जब आप सामने आएंगे तो आपको वो ऐसी बात बोलेंगे, लेकिन जब आप उनके सामने पड़ेंगे इस समय पर उनका साहस नहीं होगा कि वो आपसे कुछ बोल सके। एक तो मालव्य राजयोग बना हुआ है, दूसरा 9 तारीख को ये लक्ष्मी नारायण राजयोग में तब्दील हो जाएगा। आप जैसा कि नाम से भी देते हैं कि लक्ष्मी नारायण राजयोग, आपके धार्मिक, आध्यात्मिक और धन के ये सभी चीज़ों में आपको ग्रोथ प्रदान करेगा। जब इस मालव्य राजयोग की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? आपके जीवन साथी का होता है, आपके व्यापार का होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इस समय पर सौंदर्य, कला, प्रसाधन या फिर आप किसी फैशन इंडस्ट्री से जुड़कर या फिर लग्जरी चीज़ों के आइटम से जुड़कर या किसी लग्जरी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार कर रहे हैं या फिर रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार कर रहे हैं या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में के लोगों के लिए अपार सफलता के योग हैं। लोगों को मोटिवेट करने की कला राहु के अंदर है, और शुक्र क्या है, लोगों को आकर्षित करेंगे, फिर उसके बाद मोटिवेट करेंगे, तो फिर कौन सा कार्य ऐसा है जो आपका ना बने? जो भी इस समय पर आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर ही लेंगे। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत प्रबल योग बने हुए हैं। आप इस समय पर लोगों को अपनी बातों में उलझा ही लेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका ये योग बना हुआ है। आप जो है लोगों को बहुत जल्दी से अपने व्यक्तित्व के जाल में उलझा लेंगे, अपनी बातों के जाल में उलझा लेंगे। क्योंकि राहु क्या है, जैसा कि मैंने बताया, राहु ये नहीं देखते हैं कि आप किस रास्ते से प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें प्राप्त करना है। और राहु के इस समय पर चार भावों से राहु को प्राप्त करना है, एक तो आपके लव रिलेशन से, एक आपके व्यापार से, दाम्पत्य से, और तीसरा आपके भाग्य से। तो यानी कि शुक्र का साथ लेकर जब राहु की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी तो भाग्य भी अपार बुलंदी के क्षेत्र पर होगा। जाहिर सी बात है, देखिए, शुक्र का प्रभाव तभी चल पाएगा जब भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। तभी शुक्र का भी प्रभाव चल पाएगा, जब भाग्य आपकी बुलंदी पर होगी तब आपको आपके काम बनते हुए भी दिखते हैं, कि ऐसा लगता है कि आपने एफर्ट किया है 100 का और आपको मिल गया 1000।
है ना, कितनी अच्छी बात। अब क्या है कि यदि कुंडली में इनकी स्थिति खराब है तो इन प्रभावों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। देखिए, कुंडली खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। भाव बल से कमजोर हैं, षट बल से कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, नवांश में कमजोर हैं, दशांश में कमजोर हैं। तो किसी भी तरीके से शुक्र आपके कमजोर हैं तो आपको उपाय की ज़रूरत है। और मैं वैसे भी आप लोगों को देखिए स्ट्रांगली सजेस्ट करती रहती हूँ कि आपको नौ के नौ ग्रहों के उपाय करते रहने चाहिए। देखिए, मैं हमेशा वही उपाय आप लोगों को बताती हूँ। कारक, बाधक, मारक, तीन प्रकार के ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं। तो आपको इसीलिए मैं इस तरीके के उपाय बताती हूँ कि कारक है तो आपको शुभ फलों में वृद्धि करेगा, मारक है तो आपके जो निगेटिविटी जीवन में उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि मारक ग्रहों का काम है आपके जीवन को प्रताड़ित करना, आपके जीवन को इतने कष्टों से घेर देना। तो जब कष्टों में कमी आएगी, सुप्रभावों में वृद्धि होगी, तो जीवन अपने आप सुगमता से आगे दौड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुक्र देव की और राहु देव की, तो देखिए ये आपकी कुंडली में कारक, मारक, बाधक किसी भी प्रकार के यदि बैठे हुए हैं तो आपको मंत्रों का जाप विशेष प्रभावकारी होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लें, प्रतिदिन एक माला का तो आप जाप कर ही सकते हैं। देखिए, वैसे हो सकता है कि आपको एक महीने में ही प्रभाव मिल जाए इनका, लेकिन एक एक माला करेंगे तो कभी तो इनका प्रभाव प्रारंभ होगा, दो महीने में, ढाई महीने में, तीन महीने में। तो राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः और शुक्र का बीज मंत्र ओम शुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप एक दो माला, पांच माला, सात माला, ग्यारह माला, जो भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार जाप करते रहें। इसके अलावा कनक धारा सूक्त का पाठ भी करना आपके लिए लाभकारी होगा। और सबसे अच्छी बात, शुक्रवार का यदि व्रत कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं करना चाहते, शुक्र की होरा में निर्जला व्रत करें। इनमें से कोई भी एक उपाय आप करें, आपके जीवन में शुक्र के बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप देखेंगे आपका जीवन जो है सुख और समृद्धि से भर गया है, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो गई हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।